हाँ जी स्टूडेंट्स, जो हमारी इसकी जो ऑप्शंस रह गई थी हम वो कंप्लीट कर लेते हैं। ऑटो फिट कर रहे हैं, ऑटो फिट कंटेंट विंडो और कॉलम विड्थ क्या होता है कि मतलब आपका जो टेबल के जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग वो क्या आएगा, उसकी हाइट विड्थ सेट कर देगा। उसके बाद है विंडो के अकॉर्डिंग टेबल की हाइट विड्थ सेट कर देगा। जैसे कि अभी हम विंडो वाला करते हैं, ऑटो फिट विंडो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखोगे विंडो के अकॉर्डिंग जितना हमारा क्या टेबल का मैक्सिमम साइज बनता था उसने शो करा दिया। ये हमारा मार्जिन वाला एरिया होता है टॉप पे, ये हमारा राइट पे और ये लेफ्ट पे। उसके अकॉर्डिंग जो बाकी जगह बच गई उसके अकॉर्डिंग उसने क्या कर दिया, विंडो में हमारा टेबल फिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप करोगे ऑटो फिट कंटेंट पे, जब हम करेंगे तो वो क्या करेगा, जितना कंटेंट को क्या चाहिए टेबल मतलब कॉलम की हाइट विड्थ चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर देगा, सेट कर देगा उसकी हाइट विड्थ टेबल की। हम यहाँ पे ऑटो फिट विंडो करते हैं। अगर आप यहाँ पे कॉलम विड्थ करोगे तो कॉलम की जो बाय डिफॉल्ट विड्थ होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा टेबल क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड लिखा हुआ है, अगर मेरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मर्ज सेल में मेरा रिकॉर्ड लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे उसकी सेटिंग करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे आप इसको क्या करना चाहते हो, टॉप सेंटर में रखना चाहते हो या आप राइट साइड पे रखना चाहते हो, लेफ्ट पे रखना चाहते हो, ये आपका सेंटर होता है, ये आपका बॉटम सेंटर होता है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, जो टेक्स्ट की डायरेक्शन, टेक्स्ट की जो लोकेशन है या वो जगह है उसकी अलाइनमेंट वो सेट कर सकते हो। ये हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन है। टेक्स्ट डायरेक्शन में क्या है कि आपने टेक्स्ट की डायरेक्शन सेट करनी है। जैसे हम यहाँ पे देखो, आप ये रिकॉर्ड लिखा हुआ है ये कैसे हो गया हमारा, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, डाउन साइड आपने इसकी डायरेक्शन करनी है या इसकी डायरेक्शन आपने किसकी लेफ्ट साइड करनी है या आपने सेंटर में ही रखना है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन सेट कर सकते हो। उसके बाद है आपके पास सेल मार्जिन क्या होता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे मेरा क्लास लिखा हुआ है, क्लास के मेरे ये टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट से और बॉटम से मतलब कितना कितना स्पेस छूट जाए हमारे हर एक ईच सेल पे, तो आप इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेल की मार्जिन सेट कर सकते हो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से आपने जो भी करनी है। ये बाय डिफॉल्ट इसकी, ये हमारी यहाँ पे क्या आ रही है बाय डिफॉल्ट इसकी जो हमारे सेल होते हैं उसकी ये क्या आ रही है मार्जिन आ रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं टॉप से, अब जैसे हम ओनली टॉप कर रहे हैं और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, तो आप देखोगे जो हमारे जो सेल है सभी की टॉप से देखोगे कितनी कितनी मार्जिन हमारी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप मैं कंट्रोल जेड कर रही हूँ तो अब देखोगे आप मार्जिन टॉप से, और कंट्रोल वाई कर दिया मैंने और अब मार्जिन देखो, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपनी सेल की मार्जिन इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो फ्रॉम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। उसके बाद सॉर्ट जो होता है, सॉर्टिंग किस लिए होता है कि जैसे कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो हम सेव करते हैं ना टेबल में, तो वो क्या है हम अल्फाबेटिकली स्टोर करते हैं मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, जिससे क्या होता है कि मतलब कोई भी रिकॉर्ड स्टूडेंट का फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, मतलब टाइम वेस्टेज नहीं होता। जैसे कि मैं यहाँ चाहती हूँ कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो किरण, संदीप, सुनील, मोहित लिखा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि ये क्या हो जाए अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हो जाए। यहाँ पे हम वो क्या कह रहा है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे क्या है हमारा यहाँ पे सेल ये मर्ज है, हम इसको क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं ये वाले सेल को, डिलीट एंटायर कॉलम। आप डायरेक्ट यहाँ पे राइट क्लिक करके भी क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं इसकी सॉर्टिंग करते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे हम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे सॉर्टिंग करनी है, किसकी करनी है, नेम की करनी है, असेंडिंग ऑर्डर करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। असेंडिंग ऑर्डर होता है ए टू जेड और डिसेंडिंग होता है जेड टू ए, जैसे कि डिक्शनरी में नेम वगैरह होते हैं हमारे ए टू जेड मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया तो आप देखोगे पहले के बाद एम के बाद संदीप और सुनील, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपनी सॉर्टिंग सेट कर सकते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कर लिया, कन्वर्ट टू टेक्स्ट मतलब जो आपका टेबल का कंटेंट है अगर आप उसको टेबल से बाहर निकालना चाहते हो और एज ए क्या है उसको मतलब पैराग्राफ की फॉर्म में शो दिखाना चाहते हो या टैब की फॉर्म में या कॉमा की फॉर्म में या अदर की फॉर्म में, जैसे कि हम यहाँ पे कॉमा की फॉर्म में करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं, तो आप देखोगे उसने आपका जो टेबल का सारा टेबल हटा दिया और आपका जो टेबल को एज ए टेक्स्ट की फॉर्म में बट कॉमा की फॉर्म में शो कर दिया, किरण कॉमा फोर्थ कॉमा मैथ कॉमा इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे कंट्रोल जेड किया, आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है, आप बाकी ट्राई कर लेना, या फिर क्या है यहाँ पे जैसे कि हमारे पास अदर है या फिर हमारे पास टैब है, पहले हम अदर कर लेते हैं, अदर में
कोई भी आप सिंबल मेंशन कर दोगे जो भी आपने करना है यहाँ पे। जैसे कि हमने यहाँ पे एट द रेट सिंबल मेंशन कर दिया कि हम जैसे किरण एट द रेट फोर्थ, तो इस तरीके से हमारा ये दिखाएगा, जैसे देखो किरण एट द रेट फोर्थ एट मैथ दिस। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपने जो टेबल को एज ए कंटेंट की फॉर्म में शो कर सकते हो। अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने टेबल को कंटेंट की फॉर्म में शो कर लिया, अगर मेरे को मैं चाहती हूँ कि मेरे को कंट्रोल जेड से, तो मैं मानती हूँ कि हाँ हम वापस हो जाएंगे। सपोज मेरे पास बहुत सारे, मैंने इसके बाद कुछ और काम भी कर लिया, बट मेरे पास अब मैं कंट्रोल जेड भी नहीं कर सकती, मेरे पास कंट्रोल जेड खत्म हो चुका है। अब हम अगर कंटेंट को टेबल की फॉर्म में शो करना चाहते हैं, तो आपके पास इंसर्ट के अंदर ही यहाँ पे ऑप्शन होती है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो वो नंबर ऑफ कॉलम्स अपने आप क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं, वैसे वो अपने आप उठा लेता है। यहाँ पे नेम क्लास सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वो अपने आप उसने नंबर ऑफ कॉलम उठा लिए और अपने आप उसने नंबर ऑफ रोज उठा ली 5। हमने यहाँ पे देखोगे कुछ नहीं मेंशन किया। उसके बाद आप यहाँ पे ये देखोगे एक बात, जैसे कि यहाँ पे हमारा एट द रेट है ना, ये अदर में काउंट होता है, तो उसने बोला कि एट द रेट है, वहाँ से आपका मतलब टेबल की कॉलम्स की सेपरेशन करनी स्टार्ट कर दी। यस यही है हमारा एट द रेट है, यहीं से मेरे को सेपरेट करके इसको कॉलम वो बनाना है, टेबल बनाना है। हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, तो आप देखोगे कि जो आपका पहले हमने टेबल टू टेक्स्ट किया था, और जो टेक्स्ट टू हमने अब वापस टेबल कर लिया। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपना जो टेबल है और टेबल को कंटेंट में और कंटेंट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी भी ऑप्शंस ऐसी हैं, टैब्स में करोगे तो आपका जो डेटा है टैब की फॉर्म में शो हो जाएगा। टैब टैब क्या होता है, मतलब टैब क्या है? मतलब कुछ 0.5 इंच का गैप कर करके क्या है, कंटेंट हमारा कर्सर मूव करता है, फिर हम कुछ टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपना जो टेबल वाला है, जो वाला ये वाला टेबल टू टेक्स्ट कर सकते हो, टेक्स्ट टू टेबल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।